चर्चा कर चुके थे। आज हमारा आर्टिकल है, क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। अपने टॉपिक का नाम है सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय, इस पर अपन चर्चा कर रहे थे और आज हम इसको आगे कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ेंगे 124(3). 124(3) में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताओं का होना आवश्यक है। तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए निम्न योग्यताओं का होना आवश्यक है। निम्न योग्यताओं का होना आवश्यक है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी जरूरी है, तो हम चर्चा करेंगे। कई बार एग्जामिनर सीधा सीधा पूछ लेता है कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए निम्न में से कौन सी योग्यता का होना आवश्यक है या कौन सी योग्यताओं का उल्लेख मिलता है। तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए सबसे पहली योग्यता होनी चाहिए भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए सबसे पहली योग्यता है भारत का नागरिक होना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए दूसरी योग्यता का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है भारत के किसी भी हाई कोर्ट में लगातार 5 वर्ष तक, भारत के किसी भी हाई कोर्ट में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर रहा हो। तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश किसे बनाया जा सकता है, जो हाई कोर्ट में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश, भले ही वो मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश रहा हो, इनमें से कोई सा भी न्यायाधीश रहा हो। भारत में 25 हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट में से किसी भी हाई कोर्ट का, भले ही वो मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश होना आवश्यक है। तो अब देखो, हाई कोर्ट में हमने बताया था सबसे निचले लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उसके बाद हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का आपको न्यायाधीश बनना है तो हाई कोर्ट का, किसका, हाई कोर्ट का या तो मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए या न्यायाधीश होना चाहिए, उनको कहाँ, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। तो लगातार 5 वर्ष तक किसी भी हाई कोर्ट का, वो मुख्य न्यायाधीश हो या न्यायाधीश हो, तो उसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। इसे बोलते हैं बेंच, ये जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं बेंच। बेंच से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट आता है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, ये बेंच की प्रोसेस है, तो इसे बोलते हैं बेंच से, इस प्रोसेस को बोलते हैं बेंच से, बेंच से ये प्रमोटिव होकर बेंच से आते हैं। यदि ये योग्यता नहीं है, आप किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश नहीं हो, तो आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है। यदि ये आपके पास योग्यता नहीं है तो दूसरी एक और योग्यता आपके पास हो सकती है, इसमें लिखा हुआ है कि लगातार 10 वर्ष तक किसी भी हाई कोर्ट ऑब्लिक सुप्रीम कोर्ट में वकालत का अनुभव हो। दूसरी योग्यता है लगातार 10 वर्ष तक किसी भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में 10 वर्ष तक का वकालत का अनुभव होना जरूरी है। यानी वो वकील है, भले ही वो हाई कोर्ट में है या सुप्रीम कोर्ट में है, तो भी उसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। यानी न्यायाधीश नहीं है तो चिंता की आवश्यकता नहीं है, यदि वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में लगातार 10 वर्ष तक वकालत का अनुभव रहा है, यानी वकील रहा है, तो भी उसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। यदि हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो उसे बोलते हैं बेंच प्रोसेस,
और यदि वकील सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो उसे बोलते हैं बार प्रोसेस, यानी वकीलों की बार एसोसिएशन होती है तो इसे बोलते हैं बार प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस कहलाती है ये कहलाती है बार प्रोसेस। और मैंने बताया था कल कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों के आंसर भी आए थे कि भारत का पहला व्यक्ति कौन था जिसे बार से सीधा सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था, एस के सीकरी। ये भारत के पहले ऐसे न्यायाधीश थे जो बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट में जज बने थे, और बार से सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला थी इंदु मल्होत्रा। ये दोनों अपन कल डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए, यदि ये भी आपके पास योग्यता नहीं है, आप न तो न्यायाधीश हो और न ही आप वकील हो, तो भी आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है, और यानी अथवा ये भी नहीं है तो या और क्या हो सकता है, ठीक है। यदि राष्ट्रपति के नजर में, राष्ट्रपति के नजर में पारंगत विधिवेता हो, यानी विधि में पारंगत हो, कानून का अच्छा जानकार हो, पारंगत विधिवेता हो, विधिवेता हो, तो भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। यानी इन तीन में से कोई सी भी एक योग्यता आपके पास होना जरूरी है, तीनों योग्यताओं की आवश्यकता नहीं है, तीन में से कोई एक योग्यता आपके पास होनी चाहिए। या तो समराइज करके बता देता हूं, या तो 5 वर्ष तक किसी हाईकोर्ट का न्यायाधीश रहा हो या मुख्य न्यायाधीश रहा हो, या 10 वर्ष तक वकालत का अनुभव हो, या राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवत्ता हो। इनमें से कोई से भी एक भी योग्यता आपके पास है तो आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए मुख्यतः तीन योग्यताओं, तीन में से कोई एक योग्यताओं की आवश्यकता होती, 5 वर्ष, 10 वर्ष या राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवत्ता। अब देखिए, तीन प्रोसेस है, बेंच से भी जा सकता है, बार से भी जा सकता है, और राष्ट्रपति की नजर में यदि विधिवत्ता है तो भी सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जा सकता है। ऑलमोस्ट क्वेश्चन कैसा आएगा, सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने के लिए सबसे ज्यादा किसका प्रयोग किया जाता है, या सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज्यादा जज कहां से बनाए जाते हैं, बेंच की प्रक्रिया से बनाए जाते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे 90% या 80% जो जज बनाए गए हैं वो बेंच की प्रोसेस से बनाए गए हैं, और 10% ऐसे न्यायाधीश हैं जो बार की प्रोसेस से बनाए गए हैं, यानी वकील होते हुए भी वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं, जिनमें पहले व्यक्ति थे एस के सीकरी और पहली महिला थी इंदु मल्होत्रा। लेकिन अभी तक इसका एक भी बार प्रयोग नहीं हुआ है। राष्ट्रपति की नजर में कोई व्यक्ति ऐसा हो जो विधि का अच्छा जानकार हो और उसे सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया गया हो, इसका अभी तक कोई उल्लेख नहीं मिलता, यानी इस प्रोसेस का राष्ट्रपति ने अभी तक प्रयोग नहीं किया है, ठीक है। तो कितने प्रक्रिया से, तीन में से कोई एक योग्यता आपके पास होनी चाहिए। लेकिन स्पेशल नोट आप लिख लीजिएगा, स्पेशल नोट याद रखना, स्पेशल नोट में यह है कि कई बार पूछ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए किन योग्यताओं का होना आवश्यक है। पहला आ जाएगा भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा आ जाएगा 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर रहो, तीसरा 10 वर्ष तक वकालत का अनुभव हो, और चौथा न्यूनतम अवधि 35 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आपको बता आयु की आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान रखना यह स्पेशल नोट कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए, न्यायाधीश बनने के लिए, बनने के लिए न्यूनतम आयु का प्रावधान नहीं है, न्यूनतम आयु का प्रावधान नहीं है। जैसे राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष की आवश्यकता होती है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष की आवश्यकता होती है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष की आवश्यकता होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए न्यूनतम 20 वर्ष की आयु की आवश्यकता होती है, 25 वर्ष की, संविधान में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। तो स्पेशल नोट क्या है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु का प्रावधान नहीं है, यानी संविधान में इसका न्यूनतम आयु का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता। और यही चौथा ऑप्शन देके पूछ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना आवश्यक है या 35 वर्ष होना आवश्यक है, और फिर स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे देते हैं, फर्स्ट सेकंड सही है, फर्स्ट थर्ड सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है, या उपयुक्त सभी सही है। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं, या क्वेश्चन आ सकता है 4 स्टेटमेंट देके कौन सा असत्य कथन है, ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यह था सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए योग्यता है। तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताओं का उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है, 124(3) में मिलता है।
और सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश उसे ही बनाया जा सकता है जो भारत का नागरिक हो, 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर हो किसी भी हाईकोर्ट में, 10 वर्ष तक वकालत का अनुभव हो या राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेत्ता हो। और इस विधि का अभी तक एक बार भी प्रयोग नहीं किया है, सबसे ज्यादा प्रयोग बेंच का और उसके बाद बार का, और इसमें न्यूनतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है। ये दोस्तों आर्टिकल था 124(3). अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों का कार्यकाल, मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है, आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके बताइए। नीचे मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, आप मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हैं, मैं आपके इंतजार कर रहा हूं। मोनिका सिंह का आंसर है 6 वर्ष। मोहन राम 5 वर्ष। बताइएगा, जल्दी बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है। 65/3 लिख रहे हैं कुछ स्टूडेंट, पूजा 65/6 वर्ष लिख रहे हैं, पूजा धवन 6 वर्ष लिख रहे हैं, अनुराग जागृति लिखते हैं, होता ही नहीं है। सबसे अच्छा कमेंट है अनुराग जागृति का, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का कोई भी कार्यकाल नहीं होता है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कहीं भी नहीं लिखा कि 5 वर्ष कार्य करेगा, 6 वर्ष कार्य करेगा या 4 वर्ष कार्य करेगा, ऐसा कहीं भी संविधान में उल्लेख नहीं मिलता है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश तब तक कार्य करेंगे जब तक कि उनकी आयु कितनी नहीं हो जाती, 65 वर्ष नहीं हो जाती। तो ये 65 वर्ष क्या है, रिटायरमेंट की एज है, ये कार्यकाल नहीं है। ये कार्यकाल कोई फिक्स नहीं है, जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल होता 5 वर्ष, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता 5 वर्ष, ठीक है। इसी प्रकार अन्य जैसे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता 6/65 वर्ष, यानी या तो 6 वर्ष कार्यकाल है या 65 वर्ष की एज है, दोनों में से जो भी पहले हो, लेकिन यहां 6/5, 4/5 ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं लिखा है, कहीं भी नहीं लिखा है कि 6/65 होना चाहिए। तो 6 क्या होता है, उसका कार्यकाल होता है, और 65 वर्ष इसकी एज होती है जहां ये रिटायरमेंट हो जाता है। लेकिन संविधान में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के संदर्भ में ऐसा उल्लेख नहीं मिलता। तो अनुराग जागृति का जो क्वेश्चन, जो कमेंट्स था, उनका आंसर राइट था। उन्होंने बहुत ही शानदार कमेंट्स करके बताया कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के कार्यकाल का संविधान में उल्लेख नहीं मिलता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कौन सा कथन सत्य और असत्य है, और 4 स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं। तो ध्यान रखें दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों का कोई कार्यकाल नहीं होता है, संविधान में इनके कार्यकाल का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। हाँ, इनकी रिटायरमेंट की एज होती है, ये 65 वर्ष तक कार्य कर सकते हैं और 65 वर्ष के बाद ये रिटायर्ड हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो इनकी सेवानिवृत्ति की आयु का उल्लेख मिलता है, लेकिन इनके कार्यकाल जैसे 4 वर्ष होगा या 5 वर्ष होगा, इसका उल्लेख नहीं मिलता। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिए। स्पेशल नोट लगा लीजिए और स्पेशल नोट में लिख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का, भले वो मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश, का कार्यकाल, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के कार्यकाल का उल्लेख संविधान में नहीं मिलता, का उल्लेख संविधान में नहीं मिलता, संविधान में नहीं मिलता, ये स्पेशल नोट है। लेकिन आपसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है, भले वो मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, इनकी सेवानिवृत्ति की आयु होती है 65 वर्ष। जब ये 65 वर्ष के हो जाते हैं तो ये रिटायर्ड हो जाते हैं, तो इनकी सेवानिवृत्ति की आयु, भले वो मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो, इनकी सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, 65 वर्ष होती है। अब देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे
अन्य न्यायाधीश, क्योंकि एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं, तो मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, तो अन्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? अब मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं, देखते हैं सही आंसर किन का होता है। सबसे पहले फास्ट पूजा लाहौर, सबसे आंसर है पूजा का, राष्ट्रपति को। आपको बताएं मुख्य न्यायाधीश भी अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। और अन्य न्यायाधीश भी अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। भले ही वो मुख्य न्यायाधीश हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या अदर जस्टिस हो, ये सभी अपना त्यागपत्र किसे देंगे? राष्ट्रपति को। दोस्तों मैंने कल आपको पढ़ाया था कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश दोनों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो दोनों अपना त्यागपत्र भी किसे देंगे? राष्ट्रपति को ही देंगे। मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, इसलिए ये दोनों अपना त्यागपत्र भी किसे देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। जो नियुक्त करेगा उसी को क्या देंगे? ये अपना त्यागपत्र देंगे। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, तो अन्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देंगे? वो भी किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। तो ये 124(3) था। आज अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ेंगे 124(4). हमने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बारे में चर्चा कर ली, संरचना के बारे में 124(1) में, 124(2) में हमने उनकी नियुक्ति के बारे में, 124(3) में उनके कार्यकाल के उनकी योग्यता के बारे में, और 124(4) में पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने का क्या कारण है? अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को निम्न में से किन कारणों से हटाया जाता है। ऑप्शन दे दिया जाते हैं, मैं आपके सामने लिख देता हूं, अच्छा क्वेश्चन बनता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को किस कारण से हटाया जाता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को किस कारण से हटाया जाता है? पहला ऑप्शन आ जाता है संविधान का अतिक्रमण करने के कारण, संविधान का अतिक्रमण करने पर, संविधान का अतिक्रमण करने पर। दूसरा ऑप्शन आ जाता है दिवालियापन के आधार पर, दिवालियापन घोषित करने पर या दिवालियापन के आधार पर। तीसरा असमर्थता के आधार पर, और चौथा ऑप्शन आ जाता है सिद्ध कदाचार, मिसबिहेव के आधार पर, सिद्ध कदाचार के आधार पर। फिर अच्छा कैसे क्वेश्चन बनेगा? क्वेश्चन अच्छा बनेगा यूपीएससी लेवल का जब आपके ऑप्शन आएंगे फर्स्ट थर्ड, पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा सी ऑप्शन आ जाएगा सेकंड थर्ड फोर, और डी ऑप्शन आ जाएगा थर्ड फोर। आप बताइए मुझे कमेंट करके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को किस कारण से हटाया जा सकता है, इनमें से कौन सा कारण है जिस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। आपके सामने ये ऑप्शन है, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। कुछ स्टूडेंट सी बता रहे हैं, वासुदेव चौधरी, इनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है थर्ड और फोर। सिर्फ जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कार्य करने में असमर्थ होते हैं तो एक तो असमर्थता के आधार पे और दूसरा उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो आरोप सिद्ध होने पर, यानी थर्ड और फोर। तो आपका करेक्ट आंसर होगा थर्ड और फोर किसमें मिलते हैं? डी में, यानी आपका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी दो ही आधार पे हटाया जा सकता है। काफी लोगों के अच्छे आंसर आ रहे हैं, काफी लोगों के आंसर थर्ड और फोर यानी डी ऑप्शन आ रहे हैं। अब देखिए यदि आपसे संविधान का अतिक्रमण करने के आधार पर किसे हटाया जाता है, तो संविधान का अतिक्रमण करने के आधार पर राष्ट्रपति को हटाया जाता है। राष्ट्रपति को हटाने का कारण आर्टिकल 56 में मिलता है और उनके इंपीचमेंट महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख 61 में मिलता है। तो राष्ट्रपति को किस आधार पर हटाया जाता है? राष्ट्रपति यदि संविधान का अतिक्रमण करता है तो इस आधार पर हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को हटाने का कारण किसमें मिलता है? 56 में। और राष्ट्रपति को हटाने की जो इंपीचमेंट की प्रोसेस है, महाभियोग की प्रक्रिया है, वो किसमें मिलती है? 61 में है। ठीक है, तो संविधान के अतिक्रमण करने के आधार पर राष्ट्रपति को हटाया जाता है, जबकि असमर्थता और सिद्ध कदाचार इन्हीं दो आधार पर राष्ट्रपति को भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। और इसका उल्लेख मिलता है 124(4) में। हमने तीन तक पढ़ लिया था,
124 तीन तक, अब है 124 चार। आपको मैं बता दूं, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968, यह अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। तो सुप्रीम कोर्ट को न्यायाधीशों, राष्ट्रपति को हटाने के लिए भी महाभियोग प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने पर भी महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किया जाता है। लेकिन दोनों ही महाभियोग की प्रक्रिया में बहुत सारे बेसिक अंतर है, वो अपन चर्चा करेंगे। यूपीएससी का जब पेपर आप यूपीएससी का भी एग्जाम में आपका फेस करोगे तो आजकल ऐसे एनालिटिक क्वेश्चन आते हैं, राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को महाभियोग प्रक्रिया को हटाने में जो मुख्य अंतर है वो नीचे दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है, तो वो अपन अलग से अपन डिस्कस करेंगे। पहले ये बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है और उनकी क्या प्रोसेस है। तो आर्टिकल 124-4 में, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने का कारण है, तो हटाने का कारण कौन सा आर्टिकल में है, 124-4 में, और केवल दो ही कारणों के आधार पर हटाया जाता है। एक तो वो कार्य करने में क्या हो, असमर्थ हो, असमर्थता के आधार पर। दूसरा, सिद्ध कदाचार, यानी उनके ऊपर लगे हुए आरोप क्या हो जाते हैं, सिद्ध होने पर, सिद्ध कदाचार के आधार पर। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को केवल दो ही आधार पर हटाया जा सकता है और ये हटाने का कारण किसमें मिलता है, 124-4 में। लेकिन 124-5 में हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है, 124-5 में हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है, क्या प्रोसेस है, उस प्रोसेस का उल्लेख किसमें मिलता है, 124-5 में, हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख, दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी आप पढ़ोगे पॉलिटी में बहुत जगह ऐसा आएगा कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाया जाता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो बार बार यूपीएससी के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद हटाया जा सकता है। तो ये बहुत सारी ऐसी जगह आएगी, जैसे उदाहरण दे दिया जाएगा कि इसको कैसे हटाया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की तरह हटाया जा सकता है। अब देखिए, हटाने की प्रक्रिया अधिनियम में है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में उनके हटाने की जो प्रक्रिया है उसका नाम दे रखा है कौन सी, महाभियोग प्रक्रिया। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को बोलते हैं महाभियोग प्रक्रिया। लेकिन यह महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया से थोड़ी भिन्न है, अपन आगे जाके चर्चा करेंगे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है वो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत हटाया जाता है और उनकी जो प्रोसेस मिलती है वो 124-5 में मिलती है और उसी की अपन चर्चा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है। और यूपीएससी और आरपीएससी का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है फर्स्ट ग्रेड के लिए भी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सत्य और कौन सा असत्य, यानी आपका पूरा कंसेप्ट आपका क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर कर पाओगे। तो हटाने की प्रक्रिया कैसे हटाया जाता है तो उस पर चर्चा करते हैं। और किस अधिनियम के तहत, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत, देख लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। दोस्तों हटाने की प्रक्रिया के लिए जो प्रस्ताव लेके आते हैं उसे बोलते हैं महाभियोग प्रस्ताव। हटाने के लिए जो प्रस्ताव लेके आया जाता है उसे बोलते हैं महाभियोग प्रस्ताव, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है, महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है। अब आपके मन में विचार आता होगा सर महाभियोग प्रस्ताव जो लेके आएंगे वो किस सदन में लेके आएंगे, लोकसभा में लाया जा सकता है या राज्यसभा में लाया जा सकता है या किसी भी सदन में लाया जा सकता है। आप कमेंट करके बता सकते हो मुझे
कि महाभियोग प्रस्ताव जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों, भले वो मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश, इसलिए मैंने एक वर्ड प्रयोग किया न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है, उसे बोलते हैं महाभियोग प्रस्ताव। ये महाभियोग प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है या राज्यसभा में? वासुदेव जी का बिल्कुल आंसर बिल्कुल करेक्ट है, उन्होंने लिखा है बोथ हाउस, यानी दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जैसे आपको बता, धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में रखा जा सकता है, धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में रखा जा सकता है, लेकिन यह महाभियोग प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव, पहला नोट, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। मैं इस तरफ आपके लिए नोट लिख देता हूं, स्पेशल नोट फर्स्ट है कि महाभियोग प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। आप चाहे तो लोकसभा के सदस्य चाहे तो लोकसभा में ला सकते हैं, राज्यसभा के लाएंगे तो राज्यसभा में, लेकिन इसमें एक शर्त है, यदि हम लोकसभा में यदि किसी न्यायाधीश को हटाने वाला महाभियोग प्रस्ताव लाएंगे तो कम से कम 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। यदि हम लोकसभा में लाएंगे तो कम से कम लोकसभा के 100 सदस्यों के क्या होने चाहिए? हस्ताक्षर होना चाहिए। और यदि हम राज्यसभा में लाएंगे तो राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। दूसरा, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन यदि हम लोकसभा में लाएंगे तो लोकसभा में सर सदस्य संख्या अधिक क्यों रखी गई? आपको तो पता, लोकसभा में कुल सदस्य होते हैं अधिकतम तो 552 होते हैं, लेकिन वर्तमान में 545 है, 7 पीओ के कारण खाली छोड़ी गई है, और 545 में से 2 मनोनीत होते हैं, एंग्लो इंडियन और आर्टिकल 331 के तहत, और 543 निर्वाचित होते हैं। और यहाँ पे राज्यसभा की वर्तमान में 245, जिसमें से 12 मनोनीत होते हैं आर्टिकल 80 के तहत, ठीक है, और 233 निर्वाचित होते हैं। तो यह 545 है तो इसकी सदस्य संख्या 100 रखी गई है, या सदस्य संख्या कम है तो राज्यसभा में कितनी रखी गई है? राज्यसभा में रखी गई है 50। तो यहां से दूसरा क्वेश्चन, दूसरा स्पेशल नोट है, लोकसभा में लाएंगे तो लोकसभा में, लोकसभा के 100 सदस्यों के क्या होने चाहिए? हस्ताक्षर, लोकसभा के 100 सदस्यों के। और यदि हम राज्यसभा के सदस्य लेके आएंगे तो राज्यसभा के 50 सदस्यों के, राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि लोकसभा वाले हटाने के लिए प्रस्ताव लेके आ रहे हैं तो लोकसभा के 100 सदस्यों के, और राज्यसभा वाले लेके आ रहे हैं तो राज्यसभा के 50 सदस्यों के क्या होने चाहिए? हस्ताक्षर होने चाहिए। अब यदि लोकसभा के 100 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके लोकसभा में दिया तो लोकसभा में सबसे पहले किसको दिया जाता है? लोकसभा के स्पीकर को देंगे, यानी ये प्रस्ताव जो लोकसभा के सदस्य देंगे, लोकसभा के सदस्य 100 लोगों के हस्ताक्षर हो जाएंगे, और वो हस्ताक्षर करके किसको सौंपेंगे? यदि लोकसभा में रखेंगे तो लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे, लोकसभा में रखेंगे तो किसको देंगे? लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे, और यदि राज्यसभा में रखेंगे तो राज्यसभा के सभापति को देंगे, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आप मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये किस आर्टिकल में लिखा है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? मुझे आप कमेंट सेशन में आप नीचे बता सकते हैं। अब देखिए, लोकसभा में लाएंगे तो लोकसभा अध्यक्ष को सौंपेंगे, राज्यसभा में लाएंगे तो राज्यसभा के सभापति को सौंपेंगे, लेकिन सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात, यदि लोकसभा अध्यक्ष के पास लेके आए तो लोकसभा अध्यक्ष के पास पावर है, वो उसको स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी प्रोसेस इन्हीं पे डिपेंड करती है। लोकसभा अध्यक्ष उस महाभियोग प्रस्ताव को चाहे तो स्वीकार भी कर सकते हैं और चाहे तो अस्वीकार भी कर सकते हैं, और यदि सभापति के पास लाएंगे तो इसके पास भी सभापति चाहे तो उसे स्वीकार कर सकते हैं और चाहे तो अस्वीकार कर सकते हैं, ये दोनों ही पावर इनके पास होते हैं। महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा में लेके आएंगे या राज्यसभा में जब लेके आएंगे तो लोकसभा, हाँ करेक्ट आंसर है गोपीचारण 64, बिल्कुल करेक्ट कहा आपने कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। एक तो आर्टिकल 64 में लिखा है और एक आर्टिकल 89 में भी लिखा हुआ है। एक आर्टिकल 89 में राज्यसभा है
और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का उल्लेख मिलता है, तो 64 में भी और 89 में भी दोनों जगह उल्लेख मिलता है। ठीक है, 64 में भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और 89 में राज्यसभा का उल्लेख मिलता है, राज्यसभा के एक आपको तो सभापति होते हैं और एक उपसभापति होते हैं। अब देखिए, हमने कहा महाभियोग प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, और लोकसभा में लाएंगे तो 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, और राज्यसभा में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। लेकिन दूसरी प्रोसेस, यदि लोकसभा के अध्यक्ष, स्पेशल नोट, ये लोकसभा अध्यक्ष और सभापति पर निर्भर करता है कि वो उसे स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति पर निर्भर करता है, सभापति पर निर्भर करता है कि वे उसे स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार कर सकते हैं। निर्भर करता है, वो स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं। यदि उन्होंने अस्वीकार कर दिया तो ये प्रोसेस यहीं बंद हो जाती है। यदि वो अस्वीकार कर देंगे तो ये प्रोसेस यहीं बंद हो जाती है, लेकिन यदि वो उसको स्वीकार कर लेते हैं तो प्रोसेस आगे बढ़ जाती है। और जैसे ही उसको स्वीकार करते हैं, मान लीजिए लोकसभा के अध्यक्ष ने उसका स्वीकार किया, तो लोकसभा अध्यक्ष जैसे ही स्वीकार करेंगे तो आपको बताएं इनको जांच करने के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी बनानी होगी। यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपको, बहुत डेप्थ में जाके 3 सदस्यीय समिति बनानी भी। यदि लोकसभा के अध्यक्ष उसको स्वीकार कर लेते हैं हटाने वाले प्रस्ताव को, तो उनको 3 सदस्यीय कमेटी बनानी पड़ेगी। और यदि सभापति भी स्वीकार कर लेते हैं, यदि राज्यसभा में रखते हैं और सभापति स्वीकार कर लेते हैं, तो भी उनको एक कमेटी बनानी पड़ेगी। दोनों में से जहां भी रखा जाता है, कोई भी यदि स्वीकार कर लेता है तो उनको 3 सदस्यीय कमेटी बनानी पड़ेगी। और यहां से अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष या सभापति द्वारा एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाती है, उस 3 सदस्यीय कमेटी में कौन कौन से लोग होते हैं, ठीक है, इनके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 3 सदस्यीय कमेटी होती है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या अन्य न्यायाधीश हो सकता है, अन्य न्यायाधीश। एक इसमें सुप्रीम कोर्ट का या तो मुख्य न्यायाधीश होगा, और मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा तो वो अन्य न्यायाधीश भी हो सकता है। मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध हटाने वाला प्रस्ताव लेके आएंगे तो उसमें जो सबसे सीनियर जज होगा वो हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश होगा। दूसरा, किसी भी हाईकोर्ट का, भारत में 25 हाईकोर्ट है, सबसे प्राचीनतम हाईकोर्ट कलकत्ता है, कोलकाता है, जो 2 जुलाई 1862 को बना था, और सबसे नवीनतम हाईकोर्ट है अमरावती हाईकोर्ट, जो 1 जनवरी 2019 से उसने अपना कार्य प्रारंभ किया है। आप मुझे यदि बता सकते तो कमेंट सेशन में बताइए कि अमरावती हाईकोर्ट जो आंध्र प्रदेश का अलग हाईकोर्ट बना है, 1 जनवरी 2019 से कार्य प्रारंभ किया है, उसके चीफ जस्टिस कौन है, यानी अमरावती हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है, तो ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते, क्योंकि करंट का क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इवेंट्स हुए, तो सुप्रीम कोर्ट आपको बताए कि आंध्र प्रदेश का अलग हाईकोर्ट बनाया अमरावती, तो उसके अभी हाल ही में मुख्य न्यायाधीश किसे बनाएगा, पहले मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है, तो इसके बारे में करंट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भारत में 25 हाईकोर्ट है, किसी भी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश, किसी भी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, यह भी इस कमेटी में क्या होगा, शामिल होगा। और तीसरा जो आपसे पूछा जा सकता है, प्रसिद्ध कानूनविद यानी अच्छा कानून का जानकार, ये 3 व्यक्ति इस कमेटी में होते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी गठित की जाती है, उस कमेटी में कौन कौन होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का या तो मुख्य न्यायाधीश होगा या अन्य न्यायाधीश होगा, लेकिन हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा और प्रसिद्ध कानूनविद होगा। ये कमेटी उसके ऊपर आरोप, यानी किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए जो आरोप लगे उनकी क्या करेगी, जांच। इस कमेटी के द्वारा क्या की जाती है, जांच। और यदि जांच में कमेटी को लगता है कि उनके ऊपर आरोप लगाए गए वो बिल्कुल क्या है, सही है, उन पे लगाए गए आरोप यदि साबित होते हैं, तो ये अपनी रिपोर्ट, ये अपनी जांच करने के बाद क्या देगी, जांच रिपोर्ट किसे देगी, लोकसभा के अध्यक्ष को, क्योंकि ये समय कमेटी किसने बनाई थी, लोकसभा अध्यक्ष ने बनाई थी, लोकसभा अध्यक्ष को देंगे, और सभापति बनाई तो सभापति को देंगे। तो ये अपनी रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट देते हैं। और मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष ने बनाई है, तो ये अपनी जांच रिपोर्ट किसे सौंपेंगे, लोकसभा अध्यक्ष को ये अपनी जांच रिपोर्ट सौंपते हैं। और इस जांच रिपोर्ट में यदि दोषी पाए जाने पर लोकसभा अध्यक्ष प्रस्ताव रखता है लोकसभा में, और लोकसभा में उस पर मतदान कराया जाता है, लोकसभा में उस पर मतदान कराया जाता है, और लोकसभा में मतदान करने के बाद यदि यह विशेष बहुमत से पारित हो जाता है, किस बहुमत से,
विशेष बहुमत से पारित हो जाता है। विशेष बहुमत का मतलब होता है दोस्तों कुल सदस्य संख्या का 50% वे उपस्थित का 2/3, उसे बोलते हैं विशेष बहुमत। यदि ये विशेष बहुमत से लोकसभा से पारित हो जाता है तो लोकसभा से विशेष बहुमत से पारित होने के बाद राज्यसभा के पास जाता है और राज्यसभा से भी यदि ये विशेष बहुमत से पारित हो जाता है तो फिर ये राष्ट्रपति के पास जाता है। राज्यसभा से विशेष बहुमत से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति यदि इस पे मंजूरी दे देता यानी हस्ताक्षर कर देता है तो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को पद से हटाया जैसे इन पदमुक्त माना जाता है, इन पद से हटा दिया जाता है। तो राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के साथ ही उनको पद से हटा दिया जाता है। तो यह संपूर्ण प्रक्रिया है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और भारत में एक भी किसी भी न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को अभी इस प्रक्रिया से हटाया नहीं किया गया है क्योंकि यह सबसे जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, यदि हम बात करें तो भारत के पहले ऐसे कौन से न्यायाधीश थे, सुप्रीम कोर्ट या के पहले ऐसे कौन से न्यायाधीश थे जिनको हटाने के लिए उनके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। वी रामास्वामी, जिनके विरुद्ध 1991 वी रामास्वामी 1991 में उनके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था लेकिन ये लोकसभा से पारित नहीं हो सका। जब लोकसभा से पारित नहीं होता विशेष बहुमत से तो ये रद्द हो जाता है। तो भारत के पहले ऐसे कौन से न्यायाधीश थे जिनको महाभियोग प्रस्ताव से हटाने के लिए उनके विरुद्ध महाभियोग लाया गया, और तो आपका आंसर होगा वी रामास्वामी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन ये इनके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, लोकसभा ने पारित नहीं किया तो ये क्या हो गया, रद्द हो गया। इसका मतलब एक भी भारत का ऐसा न्यायाधीश नहीं है जिसे इस प्रक्रिया से क्या हटाया गया। बहुत ही जटिल प्रक्रिया। यदि लोकसभा से आपको पता है लोकसभा में जब रखा जाता है लोकसभा अध्यक्ष मंजूरी दे देता है ठीक है तो फिर राज्यसभा में आता है, तब तक सुप्रीम कोर्ट के जिस न्यायाधीश के विरुद्ध आपको पता महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है वो स्वयं ही अपने पद से क्या दे देता है, त्यागपत्र दे देता है। यानी राष्ट्रपति के पास जाने से पहले ही वो त्यागपत्र दे देता है। इसलिए आज तक किसी भी न्यायाधीश को इस प्रक्रिया से नहीं हटाया गया। तो पहले न्यायाधीश थे वी रामास्वामी 1991 में जिनके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था लेकिन उन्हें लोकसभा से यह पारित नहीं हुआ इसलिए इसी प्रक्रिया से नहीं हटाया गया। तो आपसे ऐसा पूछ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कितने न्यायाधीश हैं जिनको महाभियोग प्रस्ताव से या महाभियोग प्रक्रिया से हटाया गया, तो एक भी ऐसे न्यायाधीश नहीं है जिनको महाभियोग प्रक्रिया से हटाया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए एक बार मैं पुनः समराइज कर देता हूं फिर उसको थोड़ा राष्ट्रपति से कंपेयर कर लेते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया को लेकर फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सत्य और असत्य है। तो देखिए हटाने की प्रक्रिया में हटाना किस प्रक्रिया से हटाया जाता है, महाभियोग प्रस्ताव। महाभियोग प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है लेकिन लोकसभा में लाएंगे तो 100 सदस्य के हस्ताक्षर होंगे और राज्यसभा में लाएंगे तो 50 सदस्य के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। फिर लोकसभा अध्यक्ष और सभापति पर निर्भर करता है कि उसे स्वीकार कर भी सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं। लेकिन यदि वो स्वीकार कर लेते हैं तो उनको 3 सदस्यीय कमेटी बनानी पड़ती है और उस 3 सदस्यीय कमेटी में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और एक प्रसिद्ध कानूनविद होता है। यदि कमेटी जांच रिपोर्ट में दोषी उनको साबित करती है तो ये जांच रिपोर्ट वापस लोकसभा अध्यक्ष के पास जाती है, वो लोकसभा में रखता है और लोकसभा यदि इसे विशेष बहुमत से पारित कर देती है तो फिर राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा भी यदि विशेष बहुमत से पारित कर देती है तो यह राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति के मंजूरी मिलने के साथ ही न्यायाधीश को पद से हटा दिया जाता है। यह थे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया। अब थोड़ा राष्ट्रपति के संदर्भ में कर लेते हैं। राष्ट्रपति को हटाने वाली यदि आपको पहले से वैसे कंसेप्ट है तो मैं आपको बता देता हूं। यदि आप सुनिए राष्ट्रपति को हटाने के लिए भी महाभियोग प्रस्ताव, राष्ट्रपति को हटाने का कारण मिलता है आर्टिकल 56 में, राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने के कारण हटाया जा सकता है लेकिन उनकी इंपीचमेंट की जो प्रोसेस है, महाभियोग की जो प्रक्रिया है यह अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, महाभियोग प्रक्रिया कैसी है, सुप्रीम राष्ट्रपति को हटाने की जो महाभियोग प्रक्रिया है वो आपको सेमी जुडिशियल अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है और इसका उल्लेख प्रक्रिया 61 में मिलती है लेकिन कारण किस में मिलता है, 56 में मिलता है। और राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है, महाभियोग प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए किसी भी सदन में लाया जा सकता है उसी प्रकार राष्ट्रपति को हटाने के लिए भी किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों यदि वहां लोकसभा में और राज्यसभा में लाएंगे तो ये 25% सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है, उसे बोलते हैं 1/4।
यानी लोकसभा और राज्यसभा में लाएंगे, किसी भी सदन में ला सकते हैं। लाने के लिए वहां कुल सदन की 25% सदस्यों के क्या होने चाहिए, हस्ताक्षर। और यहां देख लीजिए, यहां 100 सदस्यों के हैं या 50 के, लेकिन यहां परसेंटेज है, लोकसभा के 25% सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और राज्यसभा के 25% सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। पहला अंतर, राष्ट्रपति और न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया में पहला अंतर, या 100 और 50 होते हैं लेकिन वहां 25% सदस्यों के हस्ताक्षर होना जरूरी होता है। अब दूसरा, लोकसभा अध्यक्ष, यहां पर डिपेंड करता है वो स्वीकार कर भी सकते हैं या नहीं भी, लेकिन राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में लोकसभा अध्यक्ष और सभापति के पास कोई विकल्प नहीं होता, उनको स्वीकार करना ही होता है। अब देखिए, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष जिस दिन उस हटाने वाले प्रस्ताव पर चर्चा करता है उससे 14 दिन पूर्व, ध्यान रखना, लोकसभा में विधेयक रखने से नहीं, महाभियोग प्रस्ताव रखने से नहीं, जिस दिन रखने के बाद, जिस दिन चर्चा होना निश्चित है उस दिन से 14 दिन पूर्व, तो लोकसभा में चर्चा होने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना आवश्यक होता है, लेकिन यह न्यायाधीश को सूचना देना कोई आवश्यक नहीं होता है। यह भी एक मेजर अंतर है। अब वह कुल सदस्य संख्या का बहुमत है, विशेष बहुमत नहीं, वह कुल सदस्य संख्या का विशेष बहुमत है, ठीक है, और उस प्रक्रिया से दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति को हटाया जाता है तो दोनों सदनों से, लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा के पास आता है और राज्यसभा से पारित होते ही राष्ट्रपति का पद मुक्त माना जाता है, क्योंकि वहां राष्ट्रपति को ही हटा रहे हैं, तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए उनके पास अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। यह मेजर अंतर था, मैंने काफी कोशिश की है, वैसे मैं राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा तो अलग से आपको प्रोसेस बताऊंगा, लेकिन फिर भी मैंने तुलना करने की काफ़ी कोशिश की है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, क्यों आजकल पॉलिटी में एनालिटिक अप्रोच के क्वेश्चन डेवलप होने लगे हैं कि दोनों प्रक्रियाओं को तुलना कर लिया जाता है और तुलनात्मक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हमने 124 पढ़ा 4 और 124 5, अब 124 6 पढ़ेंगे दोस्तों। 124 6 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको तब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की शपथ का उल्लेख, तो हम चर्चा करेंगे 124 6 पे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तब आपका आंसर होगा राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है। मुख्य न्यायाधीश को शपथ तो राष्ट्रपति दिलाता है, अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, आप मुझे कमेंट सेशन में बताइए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हाँ, काफी लोग हैं किशनगढ़ से, राजेश जी हैं, काफी लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, अच्छा लग रहा काफी, सभी लोगों का आप प्यार यूं ही हमारे साथ बना रहे, और हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा मटेरियल उपलब्ध कराया जाए, यूपीएससी लेवल के कंटेंट उपलब्ध कराए जाए। एम लक्ष्मीकांत में आपको सोल्व करके दूंगा, उसके ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी कराऊंगा टॉपिक होने के बाद, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हाँ, मोहन राम का कमेंट आ रहा है, मुख्य न्यायाधीश काफी लोगों के, अशोक, मोहन राम। राष्ट्रपति के लिए महाभियोग प्रस्ताव कौन से सदन में रखा जाता है, राष्ट्रपति के लिए महाभियोग प्रस्ताव किसी भी सदन में रखा जा सकता है, चाहे तो लोकसभा में रख सकते हैं, चाहे तो राज्यसभा में रख सकते हैं, लेकिन रखने के लिए वहां 25% सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। उजा जी ने पूछा है, काफी लोग है शिवजी राम जी किशनगढ़ से, आपका स्वागत है, आप हमारे साथ यूं ही बने रहें। मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, काफी लोगों का सही आंसर आ रहा है, ठीक है, कि शपथ का उल्लेख, तो हम चर्चा कर रहे थे 124 6 में, आर्टिकल 124 5 तक कंप्लीट हो गए, 124 6 में लिखा हुआ है शपथ का उल्लेख, 124 6 में शपथ का उल्लेख है। तो आपको पता, एक सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश होता है, सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं, अन्य न्यायाधीश। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, यदि हम बात करें इनकी नियुक्ति, तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इनकी वरिष्ठता के आधार पर होती है, तो इनकी कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर होती है। यदि हम बात करें त्यागपत्र,
मुख्य न्यायाधीश भी अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। अन्य न्यायाधीश भी अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। लेकिन अब नंबर आता है शपथ का, और यह सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति ही दिलाता है, लेकिन अन्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति नहीं दिलाता है। दोस्तों, अन्य न्यायाधीश को जो शपथ दिलाता है वो दिलाता है मुख्य न्यायाधीश। तो ध्यान रखना, मुख्य न्यायाधीश को शपथ तो राष्ट्रपति दिलाता है, लेकिन अन्य न्यायाधीश को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश, देख लीजिए अब तक कुछ फैक्ट सेम ही थे। अब तक देखो, इन मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ये दोनों अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। लेकिन शपथ में थोड़ा सा अंतर है। इसको शपथ तो मुख्य न्यायाधीश को शपथ तो राष्ट्रपति दिलाता है, लेकिन अन्य न्यायाधीशों को जो शपथ है वो मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। एक और क्वेश्चन, यदि आपसे पूछे कि न्यायाधीशों की शपथ का उल्लेख कौन से अनुसूची में मिलता है, तो आपको दोस्तों अनुसूची 3 में, अनुसूची हमारे संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। तो अनुसूची 3 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की शपथ का उल्लेख मिलता है। कुछ लिख रहे हैं, राज्यसभा में रखने पर अंतिम इसे पारित करता है, और लोकसभा में रखे तो राज्यसभा। हां, यदि राज्यसभा में रखेंगे तो ये लोकसभा से पारित होगा, और यदि पहले लोकसभा में रखेंगे तो बाद में राज्यसभा से पारित होगा। अब देखिए, यदि हमने कहा जितेंद्र सर की क्लास नहीं, जितेंद्र सर की भी क्लास है, आप निश्चिंत रहिए, इसके बाद जितेंद्र सर की ही क्लास होगी, शेड्यूल आपको सेंड कर दिया गया होगा। तो आपसे पूछे शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता, तो 124(6) में मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, जबकि अन्य न्यायाधीश को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, और इनकी शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में मिलता है। 124 का जो अंतिम आर्टिकल है उसमें भी अपन चर्चा कर लेते हैं। 124 में 6 हो गए, 124 में 7, यानी 124 को लेके 7 आर्टिकल है जिसपे अपन ने अलग 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 समय समय पर इस पर चर्चा की है। 124(7) में लिखा सेवा शर्तें, 124(7) में लिखा है सेवा शर्तें, और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है यदि कोई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद से रिटायर्ड होता है, यानी कोई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से रिटायर्ड यदि होता है, भले वो मुख्य न्यायाधीश हो या न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश यदि जब रिटायर्ड होता है तो भारत के किसी भी अन्य न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में रिटायर्ड होता है, और 65 वर्ष की आयु के बाद, रिटायर्ड होने के बाद, वो भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। ये किस आर्टिकल में लिखा है? 124(7) में लिखा है कि वो भारत के किसी भी न्यायालय में रिटायर्ड होने के बाद वकालत नहीं कर सकता, क्योंकि इसे सुप्रीम कोर्ट के सम्मान और गरिमा को ठेस पहुंचेगी कि सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड न्यायाधीश अन्य लोअर कोर्ट में जाके, सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाके वकालत कर रहा है, तो ये सुप्रीम कोर्ट की गरिमा के विरुद्ध है। तो स्पष्ट लिखा है 124(7) में कि सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड होने के बाद कोई भी न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। तो ये प्रोसेस था दोस्तों 124 को लेके। मैं पुनः रिवाइज कर देता हूं आपको 124 आर्टिकल के बारे में। 124(1) में लिखा है सुप्रीम कोर्ट का गठन, 124(2) में लिखा है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का अपॉइंटमेंट, 124(3) में लिखा है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता एबिलिटी, 124(4) में लिखा है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का कारण, रिमूव करने का कारण, ठीक है। और आपको दोस्तों, आपने इकोनॉमिक्स में एक लॉ आ रहा है इन कानून बना गार, इसके बारे में सुना होगा, इकोनॉमिक्स में काफी चर्चा में रहता गार के, भारत में गार आएगा, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स गार, ठीक है, कर वंचना, आपको था टैक्स चोरी को रोकने के लिए, ठीक है, एक आपको था है भारत में लॉ लेके आ जाए, इन कानून बनाया जा रहा है गार, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, और इस गार का संबंध यहां पे देख लीजिए। यदि शुरू के 4 आर्टिकल याद करने, तो जी का गठन हो गया, ए का अपॉइंट हो गया, ए का एबिलिटी हो गया, आर का रिमूव हो गया, बहुत आसानी से याद हो सकता है। पहले गठन होगा, उसके बाद उसमें कुछ अपॉइंट करेंगे, फिर उनकी योग्यता चेक होगी, एबिलिटी होगी, और उसके बाद उनको रिमूव करेंगे, और 5 में हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया, 124(6) में शपथ, 124(6) में क्या है शपथ, और 124(7) में है सेवा शर्तें। तो ये था आपका एक आर्टिकल 124।
अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 125। तो बताइए मुझे आप आर्टिकल 125 में क्या है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो हम चर्चा करेंगे 125 पे चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद अपन इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। 125 में लिखा है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों का उल्लेख मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों का उल्लेख, वेतन भत्ते पेंशन इन सब का उल्लेख इसमें मिलता है, 125 में मिलता है। तो दोस्तों चर्चा करते हैं 125 पे। 125 में लिखा है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते पेंशन इत्यादि का उल्लेख, इत्यादि का उल्लेख। देखिए दोस्तों यह अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कितना वेतन मिलेगा, कितने भत्ते मिलेंगे? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को कितना वेतन मिलेगा, कितने भत्ते मिलेंगे, कितनी पेंशन मिलेगी, इन सब का निर्धारण कौन करता है? आप मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन कर सकता है? ऑप्शन आ जाएगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद या प्रधानमंत्री। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन कर सकता है? आप मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हैं। सर कमेंट शो कर दीजिए। काफी लोगों के अच्छे आंसर आ रहे हैं। मोहन राम का आंसर गलत है, अशोक, वासुदेव इन सभी के आंसर बहुत अच्छे आ रहे हैं। संसद निर्धारित करती है, संसद काफी लोगों के अच्छे आंसर है। गोपी, पूजा, ठीक है, काफी लोगों के अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी है। ठीक है, मैं तो सिर्फ एक मार्गदर्शन कर रहा हूं आप लोगों का, वैसे आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी है और इसमें अंश से हमारा भी यदि कुछ सहयोग होगा तो हम अपने 100% कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को अच्छे कंटेंट, अच्छी पॉलिटी उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, तो आप लोगों के बहुत ही अच्छे आंसर आ रहे हैं। ठीक है, और इसी प्रकार हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि और लोग भी इससे जुड़ सकें और लोग भी इसका लुत्फ उठा सकें। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों का जो निर्धारण करती है वो निर्धारण कौन करती है? संसद करती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करती है? वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करती है? संसद करती है। दूसरा क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन भत्ते कहां से दिए जाते हैं? आप बता सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते कहां से दिए जाते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन भत्ते भारत की संचित निधि में से दिए जाते हैं, भारत की संचित निधि में से दिए जाते हैं, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो भारत की संचित निधि में से दिए जाते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन भत्ते कहां से दिए जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन भत्ते भारत की संचित निधि में से दिया जाता है। आपको पता भी है दोस्तों, मुझे पता है कि तीन प्रकार की निधियां होती है, संचित निधि होती है, आकस्मिक निधि होती है और लोकलेखा निधि होती है। संचित निधि का उल्लेख 266(1) में मिलता है, लोकलेखा निधि का उल्लेख 266(2) में मिलता है और आकस्मिक निधि का उल्लेख 267(67) में मिलता है। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को वेतन भत्ते कहां से दिए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा भारत की संचित निधि में से दिया जाता है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 266(1) में मिलता है। और आपको बता दें संचित निधि पर भारित होने वाले वे, संचित निधि पर भारित होने वाले वे कौन कौन से खर्चे हैं जिनका भार संचित निधि पर पड़ता है, उसका उल्लेख आपको आर्टिकल मिलता है 112(3) में। दो मोस्ट आर्टिकल है, संचित निधि का उल्लेख कुछ आर्टिकल में है, 266(1) में है, लेकिन आपसे पूछे संचित निधि पर भारित होने वाले वे उनका आर्टिकल किस में मिलता है, तो 112(3) में मिलता है। तो इनको वेतन भत्ते निर्धारण कौन करती है? संसद। कहां से दिए जाते हैं? भारत की संचित निधि में से दिए जाते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कितने दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कर रहे हैं? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश को जो वेतन मिलता है 2,80,000, भारत के मुख्य न्यायाधीश को जो वेतन मिलता है वो मिलता है दोस्तों 2,80,000।
और अन्य न्यायाधीशों को जो वेतन मिलता है वो मिलता है 2,50,000, 2,50,000। तो ये आपको याद होने चाहिए, कई बार फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी आ जाती है रेलवे जैसे एग्जाम में, ठीक है, कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को कितना वेतन भत्ता मिलता है 2,80,000 और अन्य न्यायाधीश को कितना मिलता है 2,50,000। ये तो हो गए वेतन भत्ते। और जो अंतिम माह जब रिटायर्ड होते हैं और अंतिम माह में उनकी जो सैलरी होती है उसका 50% इनको पेंशन मिलती है, यानी अंतिम माह की सैलरी का 50% इनको क्या मिलती है, पेंशन मिलती है, बाकी सारी ये आपके क्या हो गए, वेतन भत्ते हो गए। तो अब आप समझिए इनके वेतन भत्तों का उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है, 125 में, लेकिन किस अनुसूची में मिलता है, तो अनुसूची 2। अनुसूची 2 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों का उल्लेख मिलता है। आर्टिकल पूछे तो 125, अनुसूची पूछे तो 2। लेकिन एक और अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने आपातकाल पढ़ा होगा, आपातकाल का उल्लेख कौन से भाग में मिलता है, आपसे पूछा जाता है आपातकाल का उल्लेख कौन से भाग में मिलता है। तो दोस्तों बता दें आपको आपातकाल का उल्लेख भाग 18 में मिलता है, और आपातकाल का उल्लेख जो मिलता है वो आर्टिकल 352 से लेके 360 के बीच मिलता है। आपातकाल का उल्लेख 352 से लेके 360 में मिलता है, और 352 में लिखा है, 352 तीन प्रकार का आपातकाल होता है, 352 में आपका होता है राष्ट्रीय आपात, 356 में होता है राष्ट्रपति शासन जो राज्य में लगता है, और 360 में होता है वित्तीय आपात। अन्य आर्टिकल भी आपको पता है, 352 में राष्ट्रीय आपात होता है, तो 353 में राष्ट्रीय आपात के प्रभाव, 53 और 54 में राष्ट्रीय आपात के क्या मिलते हैं, प्रभाव, और 355 में, 355 में आपको बताया केंद्र का कर्तव्य बनता है कि वो राज्य की युद्ध और बाह्य आक्रमण में क्या करें, सहायता करें। 356 में राष्ट्रपति शासन, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगता है। 357 में राष्ट्रपति शासन के प्रभाव है। 358 और 59 में आपको बताया आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, 358 और 59 में मूल अधिकारों पर प्रभाव है, और 360 में वित्तीय आपातकाल है। वापस रिपीट कर देते हैं, आपातकाल के प्रावधान किस देश से लिए गए, तो आपातकाल के जो प्रावधान हुए वो जर्मनी के वीमन संविधान से लिए गए। तो आपातकाल के प्रावधान कहां से लिए गए, जर्मनी से। कौन से भाग में, 18 में, किस अनुच्छेद में, 352 से लेकर 360। 352 में आपको मिलता है राष्ट्रीय आपात जो युद्ध बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है। 353 और 54 में उसके प्रभाव है। 55 में केंद्र का दायित्व बनता है कि वो राज्य की क्या करें, सहायता करें, ठीक है। 56 में राष्ट्रपति शासन है जो राज्य में स्वैधानिक तंत्र विफल होने पर लगता है। 57 में उसके प्रभाव है। 58 और 59 में मूल अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव है, और 360 में वित्तीय आपातकाल है जिसका प्रयोग अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है। इस टॉपिक का सर इससे क्या कनेक्शन है वो मैं आपको बताता हूं, क्या कनेक्शन है दोस्तों। जब वित्तीय आपातकाल लगता है तो भारत सरकार के किसी भी अधिकारी और कर्मचारी, ध्यान रखना, जब वित्तीय आपातकाल लगता है, दो प्रकार के ऊपर वाले आपातकाल, राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन पर, न्यायपालिका पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ध्यान रखना। राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन के दौरान विधायिका और कार्यपालिका पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन न्यायपालिका पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अनुच्छेद 360 जब वित्तीय आपातकाल लगता है तो हमारे देश की न्यायपालिका भी इससे प्रभावित होती है। वित्तीय आपातकाल के दौरान भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी और कर्मचारी के वेतन भत्तों में क्या की जा सकती है, कटौती की जा सकती है। तो याद रखना 365 में लिखा है, यदि केंद्र सरकार कोई निर्देश देती है, केंद्र सरकार कोई निर्देश देती है और राज्य सरकार उसे मानने से क्या कर देती है, इनकार कर देती है, तो इस आधार पर भी माना जाता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र क्या हो चुका है, विफल हो चुका है, इस आधार पर भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ये आर्टिकल आपका 365 जो वासुदेव जी पूछ रहे हैं कि सर 365 में लिखा है, केंद्र सरकार यदि राज्य सरकार को निर्देश देती है और राज्य सरकार इस आदेश को पालना करने से मना कर देती है, तो राष्ट्रपति को या केंद्र सरकार को लगता है कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जाता, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है आर्टिकल 365 के तहत, और एक राष्ट्रपति शासन लगता है 356 के तहत। अब देखिए, यानी वित्तीय आपातकाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में क्या की जा सकती है, कटौती की जा सकती है, ऐसा स्टेटमेंट आ सकता है। क्या वित्तीय आपातकाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों में कटौती की जा सकती है? जी हां, जब वित्तीय आपातकाल लगता है अनुच्छेद 360 के तहत, वित्तीय आपातकाल, तो वित्तीय आपातकाल के दौरान
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में क्या की जा सकती है, कटौती। भारत के और राज्य के किसी भी अधिकारी और कर्मचारी के वेतन भत्तों में कटौती हो सकती है, उसमें न्यायपालिका भी शामिल है। तो वित्तीय आपातकाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है, न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है, की जा सकती है। तो यह आर्टिकल था दोस्तों 125। वापस रिपीट करते हैं, क्वेश्चन आ सकता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तब आपका राइट आंसर होगा 125 में मिलता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन भत्तों का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तब आपका राइट आंसर होगा अनुसूची 2। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करती है? तब आपका राइट आंसर होगा संसद। और आपसे पूछेंगे कि वेतन भत्ते कहां से दिए जाते हैं? संचित निधि से दिए जाते हैं। मुख्य न्यायाधीश को वेतन मिलता है 2,80,000, अन्य न्यायाधीश को मिलता है 2,50,000, और आपातकाल के दौरान इनके वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। यह था आपका आर्टिकल 125 और 126, जिसमें लिखा है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, वो अपन कल से आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मेरा एक निवेदन है आप लोगों से, ठीक है, यदि आपको हमारे चैनल आपको अच्छी सामग्री अवेलेबल करा रहा है, अच्छे कंटेंट अवेलेबल करा रहा है, पैटर्न अच्छा बता रहा है, तो आप लोग एक चीज कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। इससे हमारा भी हौसला अफजाई होगा, व्यूअर भी बढ़ेंगे हमारे, और हमें भी पढ़ाने में थोड़ा आनंद सा आएगा। तो हम आपसे इतनी सी उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि निःशुल्क रूप से गरीब वंचित लाभार्थी या गांव के पिछड़े क्षेत्र में एक एजुकेशन के क्षेत्र में एक सूचना की क्रांति आ सकें। तो हम इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।